Another important aspect of human relation is to deal with privacy and confidentiality. Now, maintaining the confidentiality is something very important. Psychologists always have a primary obligation and they take reasonable precautions to protect the confidential information stored in any medium. Recognizing that the extent and limit to confidentiality may be regulated by either law or established by institution. Uh, there could be different uh, scenes in which we can assess this that confidentiality is something very, very important to be kept. But another aspect of maintaining that confidentiality is that when we are going to break that. But we are going to concentrate on the first half right now that why confidentiality is so much important to be uh, taken. Uh, स्टूडेंट्स ऑफ साइकलोजी कंडक्ट डिफरेंट काइंड एंड जब वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाते हैं दे आर ऑलवेज बींग आस्ट कि आपने इंफॉर्म कंसेंट लेना है आपने उनको बताना है कि आप ये इंफॉमेसन किस परपज के लिए ले रहे हैं और आपने उसको कॉन्फिडेंशल भी रखना है जनरली स्टूडेंट्स आर नॉट मच इन टू प्रैक्टिस फॉर दीज थिंग्स और वो जब एक क्वेश्चन या एक सवालनामा बनाते हैं उसमें सबसे पहली बात जो वो पूछते हैं वो पूछते हैं, हैं नेम या नाम यानी वो अपने क्लाइंट का नाम पूछते हैं और क्लाइंट वहाँ पर अपना नाम मेंशन कर देता है जो भी उसका नाम होता है उसके बाद वो उसका एज पूछते हैं उसके बाद वो उसका वर्क uh, प्लेस का नाम पूछते हैं उसका प्रोविंस पूछते हैं उसका सिटी पूछते हैं तो इन अना द वे वो उसका पूरा डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं और जब उसका नाम भी वहाँ होता है फ़ोन नंबर भी पूछते हैं एड्रेस भी पूछते हैं तो कॉन्फिडेंशलिटी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर मेंटेन नहीं रहती इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल दैट इफ़ अगर आप कोई बहुत ही ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिसमें आपने कोई टेस्ट रिटेस्ट करना है आपने कोई किसी चीज़ की वैलिडिटी और अ पीरियड ऑफ टाइम असेस करनी है किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को आपने uh, दो दफ़ा असेस करना है बिटवीन इंटरवेंशन और थेरापूटिक ट्रेनिंग और काउंसलिंग प्रोग्राम तो वहाँ तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास उस स्पेसिफिक क्लाइंट की आइडेंटिटी हो ताकि आप उसको दोबारा अप्रोच कर सकें लेकिन एज सोन एज पॉसिबल आपका वो टास्क कम्प्लीट हो जाता है यू आर गोइंग टू कोड दोज नंबर्स दोज नेम्स और आप अपनी डेटा शीट में अपने क्वेश्चन एयर में उस पार्टिसिपेंट को एक कोड असाइन कर देते हैं आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखते हैं आप हर जगह पर उसका नाम मेंशन नहीं करते इसी तरह हॉस्पिटल सेटिंग्स में जब केस प्रेजेंटेशंस होती हैं वहाँ पर केस प्रजेंटेश में हम इस तरीके से किसी का नाम बताते हैं कि इस तरह से किसी का हम केस बताते हैं कि उसके नाम से ये उसका फेक नाम दिया जाता है ताकि किसी को ये पता ना चल सके कि यह किस वार्ड में एडमिटेड क्लाइंट तो यू नो कॉन्फिडेंशियलिटी इज दिस मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल देते हुए अपने जूनियर uh, स्टूडेंट्स को जूनियर साइकोलॉजिस्ट को मैंटोर करते हुए किसी की फुली आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं तो दैट वुड बी हाईली एथिकल इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सिमिलरली uh, uh, जैसे एक मैंने आपको भी एग्जांपल दी क्वेश्चन है इसकी इसी तरह मॉल्स के अंदर स्टूडेंट्स कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो अपनी uh, उस मॉल्स के जो वर्कर्स हैं डायरेक्टली उनसे जाके पूछ रहे हैं उनकी जॉब सेटिसफैक्शन क्या है सेल्स गर्ल से पूछ रहे हैं उनकी जॉब सेटिसफेक्शन क्या है लेकिन उन्होंने उसकी जो परमिशन है वो उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन से नहीं ली हुई उस मॉल की ऑर्गेनाइजेशन के हेड से नहीं ली हुई और उसके नाम से वो कह रहे हैं कि जी इस मॉल के इंडिविजुअल्स की जॉब सेटिसफैक्शन जो है वो अच्छी नहीं और उस इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं उनसे परमिशन नहीं ली हुई और एक कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है उसको ब्रेक किया uh, कुछ इस तरह के रिसर्च जर्नल्स आते हैं जिसके अंदर uh, uh, कोई uh, ये मेंशन नहीं किया हुआ होता कि वो रिकॉग्नाइज है या नहीं वो एक ओपन एक्सेस कुछ थोड़े से लो इनकम कंट्रीज इस तरह के पब्लिश करते हैं जर्नल्स जिसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पेमेंट करके अपने पेपर्स पब्लिश करा लेते हैं ऑल वो कहीं पर भी ऑथेंटिक कंसिडर नहीं होते लेकिन उन रिसर्च जर्नल्स में मैंने फ्रिक्वेंटली ये देखा है कि मैंशन हुआ होता है किसी यूनिवर्सिटी का नाम किसी मेडिकल सेंटर का नाम किसी हॉस्पिटल का नाम और उसके साथ कुछ स्टेटिस्टिक्स दी होती हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स या यहाँ के एम्प्लॉयज़ में इतने परसेंट डिप्रेशन है इतने परसेंट उनके अंदर वर्क डिवियंस है इतने परसेंट उनके अंदर लो सेल्फ़ इस्टीम है विच इज़ हाईली अनथिकल आप किसी इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से लेबल करें और उनके इम्प्लॉयज का जो प्राइवेट डाटा है उसके कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करें नाउ डिस्कसिंग द लिमिटेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सिंस वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट दैट कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड वी शुड नेवर ब्रेक द रूल्स ऑफ कॉन्फिडेंसियलिटी बट नाउ वी आर लुकिंग इन टू इट दैट वट वुड बी द पॉसिबल लिमिटेशन एंड इन वट सिचुएशन वी आर गोइंग टू ब्रीच दैट कॉन्फिडेंशियालिटी psychologists discuss with person and organization with whom they establish a scientific and professional relationships so you know you need to discuss certain cases with other people and with other uh, uh, persons who are involved in that specific scenario so relevant limits of confidentiality should be sustained i mean like uh, if we are going to see that in certain cases we need to inform the parents about something which is being happening to the child and it's going to be into the welfare of that child. that's very much important to see that uh, this is the limit of confidentiality. then foreseeable uses of information generated through their psychological activities. for instance, if we have identified certain problems and we can see if future क्या -क्या side effects, or consequences consequences or the information hidden in rhi, we situation, hame relevant stakeholders, utni information, उसको गॉसिप के साथ उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं लेकिन उसको जितनी लिमिट के साथ बताना जरूरी है उतना बताना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है देन अनलेस इट इज़ नॉट और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड द डिस्कशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अकर्स एट द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एट द बिगिनिंग इफ यू फाइंड दैट यू कैन टेल समथिंग कि यहाँ पर हम शायद कॉन्फिडेंशियलिटी को लिमिट करेंगे तो ये शुरू में बता दिया जाए एंड इवन इफ इट नॉट इन द बिगिनिंग समर इन बिटवीन द प्रोसेस समवियर इन बिटवीन द थेरेपी जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है आप उसको वहाँ पर भी इंफॉम कर सकते हैं सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अगर कॉन्फिडेंशालिटी की लिमिट आप देख रहे हैं वहाँ पर भी आप उसे इन्फॉर्म करके लिमिट करें साइकोलॉजिस्ट हु ऑफर सर्विसेज प्रोडक्ट्स और इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन दे इन्फॉम क्लाइंट्स ऑफ रिस्क ऑफ प्राइवेसी एंड लिमिट्स टू कॉन्फिडेंशियाटी फॉर एग्जाम्पल अगर टेलीफोनिक आप कन्वर्जेशन करें हैं डाटा कलेक्शन थ्रू मोबाइल से आप बात करते हुए करे हैं तो देर आर हाई चांसिस की वो रिकॉर्ड हो रही है एंड देट रिकॉर्ड कुड बी यूजड एज अ वो बैटम इन एनी कोर्ट इन एनी केस एविडेंस और किसी के अगेंस्ट भी वो यूज हो सकता है तो so, कोई बंदा अपना कतारसिस कराए और वो रिकॉर्ड हो रहा है और वह किसी जगह पर a uh, unforeseen situation can the used be ho. so these limits to confidentiality should be in advance being told to the individual. Talking about the recording, before recording the voices and images of individuals or whom they provide services, psychologists obtain permission from all such persons or from their legal representatives. लेट से हम बात करते हैं कि एक एच आई वी के पेशेंट्स के साथ उसके लिव्ड एक्सपीरियंस जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है एक थेरेपिस्ट और वो उससे बात करते हुए उससे पूछ रहा है कि हाउ डिड यू एक्सपोज टू डैट जर्म फिर तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आई तुम्हें इस तरफ कौन लेके आया एंड हाउ हैव यू बीन थ्रू दैट उसमें कुछ ऐसी प्राइवेट और कॉन्फिडेंशल इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो रिकॉर्डिंग करने की सूरत में जो कि वो रिकॉर्ड कर आए उसने बाद में ट्रांसक्राइब करना उसको रिकोड करना उसने क्वालिटेटिव उसके ऊपर कोई काम करना है तो वो उसके अगेंस्ट अगर यूज हो सकती है किसी भी सिचुएशन में उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ही इज़ बींग रिकॉर्डेड आप बग़ैर परमिशन के किसी को ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते इन सम समर्कमस्टांसिस जिसकी अभी हम बात करेंगे मिनिमाइजिंग ऑन प्राइवेसी ऑनली इंफॉर्मेशन रिलीवेंट टू द रीज़न फॉर विच कम्युनिकेशन इज मेड इज इंक्लूडेड इन रिटर्न एंड ओरल रिपोर्ट जितनी ज़रूरत है उस क्लाइंट की सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन उसके बिहेवियर का सिर्फ वो परटिनेंट एस्पेक्ट आप रिपोर्ट में लिखेंगे उसकी पूरी जिंदगी की कहानी उसकी हर प्रॉब्लम उसकी हर चीज़ की कॉन्फिडेंशलिटी को ब्रीच करके आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे आपका जो फोकस है अगर एक सिम्टम एक डिजीज़ एक डिसऑर्डर से रिलेटेड है तो आप सिर्फ उसकी उतनी ही बैकग्राउंड लिखेंगे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑप्टेन इन द वर्क इज़ डिसकस्ड ओनली फॉर अप्रोप्रिएट साइंटिफिक और प्रोफेशनल पर्पजेज एंड स्ट्रिक्टली विद कंसर्न पर्सन ओनली जितनी भी इंफॉर्मेशन हम ऑप्टेन करते हैं उसको सिर्फ साइंटिफिक मेथड के लिए हम इस्तेमाल करें हैं उसको हम सिर्फ असेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करें उसकी थेरेपी रिहेबलीटेशन के लिए इस्तेमाल करें हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम उसको उस चीज़ के लिए पिनलाइज करेंगे स्टिगमाटाइज करेंगे उसको लेबल करेंगे और सिर्फ कंसर्न लोगों के साथ उस इंफॉमेसन को हम शेयर करेंगे तो दीज आर दिनिम इंक्यूजनस ऑन प्राइवेसी which need to be considered while dealing in human relationships.